भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं। यू आर 96 पास आउट एंड यू हैव कम ओवर हियर, ठीक है, आपकी क्या फीलिंग इस समय? तो हमेशा जब भी किसी भी इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं जो हमारे विद्यार्थियों के, पूर्व विद्यार्थियों के, तो मेरे तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं अपने भाइयों से मिलकर वापसी। वापस यादें ताज़ा हो जाती हैं नवोदय की, तो ये बहुत ही, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित की पहली मेरे ख्याल में एलुमनाई मीट है, रीजनल मीट है, और हमारा सौभाग्य है कि हम उसमें सब लोग पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सर क्वेश्चन, 96 और 2022-23 में क्या अंतर आपको नजर आ रहा है? अंतर तो नवोदय में मुझे कुछ खास नहीं लगता ना, तो लेकिन ये लगता है मेरे को जो टू बी वेरीफाई की जो कमेंट कनेक्ट पहले था, जो पहले वाले 96 से भी पहले हमारे सीनियर्स हैं, अभी जो युवा पीढ़ी है, हम अभी, मैं अपने आप को तो मैं भी युवा ही मान रहा हूँ अभी तो, लेकिन नवोदय के उस लिहाज से मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा कनेक्ट बच्चों का कुछ कम हुआ। ये मेरे को ऐसा कई बार आभास हुआ क्योंकि मैं पुणे भी जा के आया हूँ, मुंबई जा के आया हूँ, कई भी जगह मैं गया हूँ, तो थोड़ा नए बच्चों का आपस में कनेक्ट थोड़ा कम है मेरे को ये लगता है। बाकी तो आज भी नवोदय पहले जो भी कल्चर था पहले का, आज भी नवोदय टॉप है और आगे भी टॉप पे रहेगा। थैंक यू सर। और एक चीज और लास्ट में एक क्वेश्चन ये है कि आप हमारी नवोदय विद्यालय समिति को कैसे इवैल्यूएट करके हैं आज के परिपेक्ष में? सर, मैं नवोदय विद्यालय समिति को आज से नहीं, जब से मेरा 91 से गया था तभी से नंबर वन वो करता हूँ, और आगे भी मेरी अपने बच्चों को भी मैं बोलता हूँ, मेरी एक बिटिया है और दो बिटिया और हैं, तीन बिटिया है, कि बेटा ये एजुकेशन का ये मंदिर है, यहाँ पे एक हमारा स्लोगन है, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो हम आज भी नंबर वन है और कल भी नंबर वन थे और आने वाले फ्यूचर में नंबर वन रहे। क्या बात, बहुत बढ़िया। थैंक यू।